In the last video, we have solved practice problem 1.1 of chapter number 1 from electric circuits, and this was our solution. In this video, we are going to solve the practice problem 1.2. In example 1.2, if Q is equal to 10 minus 10 e raised to power minus 2t microcoulomb, find the current at t equal to 1 second. सो वो ये कह रहा है कि आपके पास जो एग्ज़ाम्पल 1.2 थी, जिसका रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ये आपके पास एग्ज़ाम्पल 1.2 है. सो 1.2 को एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं. द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज़ गिवन बाय क्यू इक्वल टू 5t साइन ऑफ 4πt माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द करंट एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड. सो एक चीज़ तो हमने यहाँ से एक हमारे सामने ऑब्वियस है, वो ये है कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अब ये टाइम के साथ हमारा जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है. अब जब चार्ज हमारा टाइम के साथ चेंज होगा, तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो करंट है, जो करंट होगा, अब वो डायरेक्ट करंट नहीं रहेगा, डीसी करंट नहीं रहेगा, बल्कि वो अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा. अब जब अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो करंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है. सो सबसे पहले अगर हमारा डीसी करंट होता, तो उस टाइम पे जो चार्ज की वैल्यू होती वो हमारे पास इक्वल होती क्यू इक्वल टू आई एफ टी, जिसमें आई हमारे पास करंट था, टी हमारे पास टाइम था, ठीक है. अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकालूँ, तो मेरे पास जो डीसी करंट की वैल्यू आती है वो आती है आई इक्वल टू क्यू बाय टी, मतलब कि एक सेकेंड के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने चार्जेस हमारे फ्लो करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो करंट होता है. अब लेट्स से हम ये कहते हैं कि जब हमारा करंट जो है वो डीसी नहीं है बल्कि वो एसी है, मतलब कि टाइम के साथ जो चार्जेस की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है. तो चेंज को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. सो चार्ज हमारा अगर चेंज हो रहा है, तो डी क्यू हम लिखेंगे, और टाइम हमारा जो चेंज हो रहा है उसको हम डी टी लिखेंगे. सो दिस विल रिप्रेजेंट आवर करंट इन द फॉर्म ऑफ ए सी, ठीक है. सो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी, वो करंट की जो इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक हो गया. अब ये तो हमारा जस्ट एक फार्मूला बना. अब हमने सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है. सबसे पहले हमें क्यू की जो वैल्यू है वो गिवन है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, और टाइम की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 1 सेकेंड. सो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. सबसे पहले इसके हम सॉल्यूशन पे चलते हैं जी. इसी इक्वेशन को मैं यूज़ करने लगा हूँ, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी की. सो आई इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गिवन है 10 माइनस 10 ई रेस्ट पावर माइनस 2t. सो 10 माइनस 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t डिवाइडेड बाय dt. सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ. I इक्वल टू, ये देखें अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ 10 माइनस डी बाय डी टी ऑफ 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t. इसको मैं आके यहीं पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे. सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज़ गोइंग टू बी 0, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा प्रोडक्ट रूल अगर लगाएं तब भी ठीक है, अगर 10 कांस्टेंट वैल्यू है इसको मैं बाहर ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 10 डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर माइनस 2t. सो अब इसको हम सॉल्व करें तो ये देखें माइनस 10 जो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू थी वहीं की वहीं रहेंगी, और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स का मतलब ये होता है कि अगर एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है. सो ये मेरे पास माइनस 2 वैसे का वैसा आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का जो डेरीवेटिव होता है वो सेम टू सेम वही होता है, ठीक है. सो ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो ई की पावर माइनस ऑफ 2t ही आ जाएगी, ठीक है. सो उसके बाद देखें माइनस और माइनस आपको ये दे देंगे 20, और 20 उसके बाद ए की पावर
माइनस टू टी। अब टी की वैल्यू हम यहाँ पे वन पुट कर देते हैं, सो 20 ए की पावर माइनस ऑफ टू। सो इसको आप सॉल्व करें या आपको जो वैल्यू देगा वो आ जाएगी 2.707 मिली एम्प्स। सो यही आपका सॉल्यूशन है।